साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त हैं और मछुआरे समाज के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। जो हमारे बीच में दीपाली रायगवार जी मौके पर बैठे हुए हैं। जानते हैं कि झांसी के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा होने जा रहा है 3 दिसंबर को, जो ललितपुर में दौरा होगा। ललितपुर के बाद झांसी के चिरगांव, बड़ागांव और कानपुर रोड पर दौरा रहेगा। तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से मूवमेंट में तैयारियां चल रही हैं झांसी नगर के अंदर। तो अगली आवाज हमारे बीच में दीपाली रायगवार जी की। दीपाली जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखा जाए जो आपकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्या तैयारियां प्रेजेंट में चल रही हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झांसी नगर में आ रहे हैं, क्या तैयारियां? देखिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वीरांगना की पावन भूमि धरा पर यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है, जिसे लेके बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अभी आपने लाइव देख ही लिया होगा बांदा का कितनी भीड़ है। ये भीड़ देख के लोगों को पसीना आ रहा है कि अब तो हमारे विकास वाले भैया को कौन रोक पाएगा। और 2 तारीख को ललितपुर दौरा है, उसके बाद यहाँ विश्राम है और 3 तारीख को हमारे झांसी में विजय रथ यात्रा शुरू होगी और जनसभा चिरगांव में है, जनसभा मोट में है और स्वागत भी है बड़े गाँव में। और लगभग यहाँ पूरी भीड़ आप लोग खुद देखेंगे कल की भीड़ ऐसी कि समा नहीं पाएगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। ये वो इंकलाब है जो 2022 में आपको मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो विकास किया है और महिलाओं का सम्मान। आपने देखा होगा कि हम जात को लेके काम करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जात 2 ही बताई है, महिला और पुरुष, जहाँ 2 ही होती है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि हर वर्ग के समाज को उन्होंने सम्मान दिया है। आपने देखा होगा चाहे वो निषाद हो, मल्ला हो, अहिरवार हो, वाल्मीकि हो, सैन हो, आपका पाल हो, पटेल हो, कोई भी समाज हो, ऐसा कोई नहीं है जिसे उन्होंने सम्मान देने का काम ना किया हो। और अब तो सभी लोग आ गए हैं एक मंच पर, लाल पीला हरा झंडा जब लहराएगा और पूरा गुलशन लहराएगा समाजवादी पार्टी का गुलस्ता आपको 2022 में। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपसे अलग है जी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रगतिशील पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल जी के जुड़ने का काम करेंगे तब मजबूती आएगी? कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जो निर्णय वो लेंगे वो सर्वोपरि है और फर्क तो किसी का भी नहीं पड़ता। देखिए चूंकि ये समाजवादी पार्टी है, समाजवादी सर्व समाज को लेने की पार्टी है, यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद एक समाजवादी परिवार है तो यहाँ किसी से कोई वो नहीं होता, लेकिन इसका जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर निर्भर। आप पार्टी में कब से जुड़ी हो? जी मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो निरंतर 10 सालों में आपने कितने लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे समाज हो चाहे अदर समाज हो, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? जी देखिए मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और जहाँ तक आप मीडिया वाले हैं आपसे कुछ नहीं छिपा होगा, आपने मेरा वर्क देखा होगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा रायकवार में साथ समाज में भी और अन्य समाज में भी मैंने कितना काम किया है। और इसी काम के आधार पर मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जिन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। इससे पहले मैं जिला अध्यक्ष भी रही, इससे पहले मैं राष्ट्रीय सदस्य भी रही महिला मोर्चा में, और मैंने काम किया पूरे उत्तर प्रदेश में, काम किया कई संगठनों में, अपना संगठन भी चलाया मैंने और आज भी चल रहा है मेरे संगठन। और चूँकि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी में है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी जोड़ी, क्योंकि स्वर्गीय फूलन जी को जो सम्मान बड़े नेताजी ने दिया है वो शायद ही किसी पार्टी ने दिया हो। हमारी बहन फूलन को जेल से रिहा करके और उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम माननीय बड़े नेताजी ने किया है और वो हमारी रिश्तेदार हैं, और चूँकि उन्हीं के आदर्शों पर और रानी लक्ष्मीबाई की नगरी में रहते हुए उनके आदर्शों पर चलकर समाजवादी पार्टी का जो सम्मान हमको मिला है और हम उसके जिंदगी पर आभारी रहेंगे। अच्छा देखा जाए इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो इस पर क्या कहना है कि किसान समझ लो बहुत बुरी हालत है इस साल, मतलब इस प्रेजेंट के अंदर देखा जाए तो क्या आपका त्रुटि है? देखिए अभी हाल ही में बिल वापस लेने की बात कही, आप लोगों ने भी देखा होगा तो ये बिल उन्होंने वापस ले लिए और किसानों के लिए खाद बीज के लिए भी कह दिया कि हम उपलब्ध करा देंगे। तो मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से या भाजपा सरकार से पूछना चाहूँगी, जो क्षति
किसानों की मृत्यु से हुई है, जो एक बहन विधवा हुई है, एक बेटी बाप से अनाथ हुई है, क्या वो कमी पूरी कर पाएंगे अपने बिल वापस लेने से? क्या वो कमी पूरी होगी? जो मर गए किसान, जिनके लिए हाल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐलान किया है कि 25-25 लाख सरकार आने पर एक एक मृतक किसान को दिया जाएगा, क्या ऐसी कोई घोषणा इन लोगों ने की है? इन्होंने सिर्फ एक जुमला आपके सामने रखा है कि हमने बिल वापस ले लिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और जल्दी चुनाव आने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी ने जमीन पे काम किया है। अब आप देखिए आने वाले 2022 में महिलाओं की ताकत को देखना आप और महिलाओं की भागीदारी देखना आप। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने की बात कही है उसमें वो लोग बराबरी का हिस्सेदार रखेंगे महिलाओं को। दीपाली, देखा जाए आप महिला हो और चूंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमने देखा आपको निरंतर कैसे समय निकाल लेती हूँ, आपके बच्चे भी हैं, परिवार भी है, ये बहुत सोचने वाली बात है कि किस प्रकार समय निकाल ली तो परिवार को भी समय देना पड़ता है, ये कैसे समय? जी देखिए, हर कहते हैं हर पुरुष की उन्नति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन शायद मैं महिला ऐसी हूँ कि मेरी उन्नति के पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से एक समाज सेवी के रूप में देखा है और जब उन्हें लगा कि मुझे समाज सेवा का शौक है और मैं शुरू से तत्पर तैयार रही हूँ, तो मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी। इसलिए जुड़ी कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा मेरी विचारधारा से बहुत मिलती थी और मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी में सम्मान है। स्वर्गीय फूलन जी का जब सम्मान मैंने देखा तो मुझे लगा कि जब हमारी बहन फूलन जी का सम्मान इतना है तो हमारा भी सम्मान इसमें है। पार्टी में आप 10 साल से जुड़ी हूँ, अगर पार्टी में जी अगर पार्टी सरकार अगर आप इसी तरह निरंतर काम कर रही हो, क्या आने वाला चुनाव में भी हिस्सेदारी ले सकती हूँ आपके? देखिए मैंने आवेदन दिया है झांसी सदर विधानसभा जी, आवेदन दिया है, लेकिन मुझे सम्मान दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आगे भी देंगे, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो उनका निर्णय होगा तो लड़ेंगे चुनाव और जैसा समाजवादी पार्टी निर्णय करे और जो निर्णय वो करेगी उस निर्णय के साथ मैं खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली रायकबार जी का, जो समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त हैं। इन्होंने भी झांसी विधानसभा 223 विधानसभा से आवेदन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर। अब देखने वाली बात है कि कौन किस पर होता है मेहरबान, कौन सा प्रत्याशी झांसी नगर में सीट निकालने का काम करेगा। कैमरा मैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवलू झांसी।